आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी। बिना लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किए बनाई है कद्दू की सब्जी। कद्दू का छिलका निकालकर इस तरह से छोटे पीसेस में काट दिया है। एक पैन में लेना है 1 चम्मच तेल, उसमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा, सूखे करी पत्ते डाले हैं। अब उसमें डाल दी है एक हरी मिर्च, ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। गैस की फ्लेम को हाई रखना है, चलाते रहना है, गैस की फ्लेम को हाई रखना है। ये कद्दू के पीसेस को साफ धोकर डाल दिया है। हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक चलाते रहना है। अब गैस की फ्लेम को कम कर देना है। अब उसमें डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। उसमें डाल देना है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले ना डालें, बस नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अब ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखना है। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देना है और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं टमाटर और कद्दू ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। कद्दू पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी है, तो गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और इस पूरे पानी को सुखा देना है। आप देख सकते हैं अब सब्जी में थोड़ा भी पानी नहीं है, बस अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ऊपर से डाल देना है फ्रेश धनिया। ये रेडी है कद्दू की सब्जी। ये बिना लहसुन और प्याज के बनी हुई है। अगर आप वेट लॉस डाइट कर रहे हैं तो ये सब्जी आप खा सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।